हम इसमें नमक डाले थे कि नहीं आप लोग जरूर। ये हम हमेशा वुडन स्पून यूज कर लेते हैं ताकि। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम दिखाने वाले हैं मेरे होल डे विथ ऑफिस जॉब अलॉन्ग विथ हाउस कोर। तो जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए थे और अभी हम ले रहे हैं ये ब्लैक कॉफ़ी और इसके साथ ले रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स। वैसे यहाँ पे बोलना चाहेंगे ड्राई फ्रूट्स में हम रेन्स लेते हैं और आलमंड बादाम लेते हैं, अखरोट जो है ये सब यहाँ पे मतलब हाफ करके दिया हुआ है। मिक्स्ड ड्राई फ्रूट है, इसमें से हम काजू जो है वो नहीं लेते हैं, बट बेटे को सब कुछ दे देते हैं। तो ये हम लेके फिर हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा एफर्मेशन डालने की, क्योंकि अभी ये न्यू वाला हम आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला हैबिट जो है हम मतलब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग मॉर्निंग में क्या क्या कर लेते हैं? वैसे ड्राई फ्रूट और ब्लैक कॉफ़ी लेने से बॉडी में एनर्जाइज होता है, बॉडी को बहुत एनर्जी मिलता है और जो मतलब एक शुगर क्रेविन होता है वो भी थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट कर दिए। ये देखिए हम बर्तन साफ़ कर रहे हैं क्योंकि मेरा बर्तन पड़ा था। कभी कभार क्या होता है कि हम एट द नाइट हम साफ़ करके नहीं सो पाते हैं, जिस दिन बहुत ही लेट हो जाता है, 10:30 बज जाता है, उस दिन मेरे से नहीं हो पाता है। तो मेरा ओपन किचन है, मेरा मतलब कवर या मॉड्यूलर किचन है नहीं। तो अभी बहुत ज़ोर से ज़बरदस्ती से हम बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ कर रहे थे। मुझे वीडियो भी करना था, ऑफिस के लिए भी निकलना था और बेटे को भी रेडी करके उसको स्कूल भेजना था। तो आज बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, तो इसके साथ साथ हम करते जा रहे थे जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वैसे बाहर देखिए मौसम बहुत ही अच्छा होके रखे है। अभी कुछ टाइम बारिश होता है और कुछ टाइम आपका जैसे सन राइज हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है मौसम का ये खिलवाड़ देख के। लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है ऑफिस टाइम में, अगर बारिश हो या फिर मतलब छुट्टी के टाइम लौटते टाइम अगर बारिश हो तो ये तो बहुत ही दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है, घर पहुंचने में लेट हो जाता है। तो अभी जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं और आप लोगों को भी एडवाइस करेंगे कि अगर आप लोग ग्लव्स पहन के बर्तन साफ़ करना मतलब कोशिश कीजिए, क्योंकि नहीं तो स्किन प्रॉब्लम हो सकता है ख़ास करके। और अगर विम्बर अगर आप लोग यूज़ करते हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरा हाथ पे तो ये इरप्शन हो गया, मतलब हाथ का कट हो गया था हैंड पे। उसके बाद हम मतलब बर्तन वर्तन साफ़ किए, डायरेक्ट विम लिक्विड डाले तो उसका मतलब रिएक्शन हो चुका था। अभी देखिए मेरा बर्तन साफ़ हो गया है, अभी हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, बेटे के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर हम मतलब रात का डिनर तक रेडी करके रख देंगे। और अभी हम ओपन कर दिए, इधर देखिए हम एक वीडियो डाल दिए एडिट करके, उसमें कॉपीराइट तो नहीं आया लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो फ्रेंड इसमें जा रहा है ये वाला, हम डस्ट बना के रखे थे, ये आलमंड है और इसमें पॉपी सीड्स और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बेटे के लिए बना के रखे थे। तो वो तो एकदम सूखा मतलब लेते नहीं है, तो इसलिए हम इसको चीला में ही डाल के बेटे को खिलाएंगे। और यही चीला हम लोगों का सारा दिन का मतलब इंस्टेड ऑफ रोटी यही चीला हम लोग यूज़ कर लेंगे आज सारा दिन का जो भी होगा फूड उसके साथ। तो ये हम इसमें बना के रख देते हैं। और ये वाला देखिए दूध जो है पूरा ऊपर कितना मोटा करके ये जम गया, ये वाला क्रीम मतलब जिसको बोला जाएगा, ये अमूल का वो रेड कलर का काउ मिल्क जो होता है उसका है, बस कल ही ले आए थे, आज पूरा मलाई जम गया इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका। तो ये थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं और ये मलाई अगर बेटा खाना चाहेगा तो उसको हम दे देंगे। अभी इतना रख देंगे बेटे के लिए, खा लूंगा।
इसमें जा रहा है सॉल्ट, फिर इसमें जाएगा ये वाला जीरा पाउडर। ये हम घर में हाथ पे बना के रखे थे क्योंकि बाज़ार का इतना मतलब अच्छा नहीं आता है जो आप मतलब सेक के बनाओगे, तो ये हो जाता है जीरा पाउडर और इसमें मेरा कॉस्टिंग भी थोड़ा सा सेव हो जाता है। जीरा सेहत के लिए अच्छा होता है जो मतलब गर्म नहीं करता है, मतलब अभी गर्मी के मौसम है तो अगर थोड़ा सा गर्मी लगे, और ये हम हमेशा वुडन स्पून यूज़ कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल से मतलब ह्यूमिडिटी ना आए। ये इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिए तो इसको थोड़ा सा सिम कर देंगे। अभी इसको अच्छा से फेंट लेंगे और तवे के ऊपर दे देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हम ऑयल भी डाल दिए। ये वाइट ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ और पानी तो ज़रूर जाएगा ही जाएगा, तो इसको अच्छा से मिला लेते हैं। और भी पानी जाएगा, मेरे पास गर्म पानी रखा हुआ है, हम वही देंगे इसमें। गर्म पानी देने से ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है आपका सवेरे। वैसे देखिए मेरा हाथ एक्चुअली यहाँ पे कट हो गया था तो इसके वजह से ये पूरा मतलब हो गया, और इसके ऊपर ही हम पानी से कर रहे थे तो इसके वजह से हो गया। अभी डॉक्टर दवाई दिए है लगाने के लिए और खाने के लिए, तो वही खाना खा रहे हैं लेकिन पकड़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऊपर वाला जैसा चैलेंज देगा आप लोगों को वैसा ही झेलना पड़ेगा लाइफ में। हर एक चीज़ इतना आसान होता तो हो जाता। इसमें और भी पानी जाएगा, देखिए इसमें और भी पानी लगने वाला है। अभी ये जो कटिंग कर रहे हैं पिज़्ज़ा की तरह, तो इसको हम बेटे को दे देंगे और इसके टिफ़िन के लिए भी दे देंगे क्योंकि बड़ा वाला उसको खाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसे पीस करके देना पड़ता है। और इसके साथ साथ हम दूसरे तरफ हम मतलब नेक्स्ट जो रेसिपी है वो बनाने के लिए हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि देखिए अभी तवा पे ये चीला हो रहा है और उधर बेसिन के अंदर हम बीट रूट का क्यूब डाल रहे थे, उसके साथ साथ हम कैरेट का भी डाल दिए। इंसान को कभी कभार मल्टीटास्किंग करना पड़ता है क्योंकि मल्टीटास्किंग होगा तो लेस टाइम में हमको सब कुछ कर पाएंगे, तो इसलिए दोनों साइड पे वो धुल के रख देंगे। इधर चीला ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसी तावे पे ही हम ये सब्ज़ी बना लेंगे क्योंकि तावे पे बनाना बहुत आसान रहता है। ये इसमें सब्ज़ी आप मतलब फैला के बना सकते हो तो हर एक सब्ज़ी एकदम टेम्पटिंग जो टेस्ट होता है बहुत ही बढ़िया आता है, टेम्पटिंग आता है, तो इस हिसाब से तावे पे। और ख़ास करके आप मतलब थोड़ा सा ऑयल या फिर थोड़ा सा बटर यूज़ करके कर सकते हो ताकि कढ़ाई पे आप अगर करने जाओगे तो। अभी देखिए यहाँ पे हम वाइट ऑयल डाल दिए और इसके साथ साथ जीरा भी डाल दिए और सब्ज़ी भी डाल दिए क्योंकि ज़्यादा इसका हो जाएगा तो ये जीरा भी उठ उठ के इधर उधर चला जाएगा, तो इसलिए हम सब्ज़ी भी डाल दिए।
वैसे हम इसमें डाले थे कैबेज, कैरेट और बीटरूट। अभी नमक दे रहे हैं बहुत ही जल्दी बनाने के लिए, ताकि ये बहुत ही जल्दी हो जाए। इसमें हम दे रहे हैं धनिया, क्योंकि मेरे चीला में हम डाले थे जीरा, तो इसमें हम दे रहे हैं धनिया, ताकि दोनों का टेस्ट अलग सा आए। वैसे धनिया देने से आपका थोड़ा सा वो जो तड़का मसाला होता है ना, उस हिसाब से आता है थोड़ा सा टेस्ट। तो इसके साथ थोड़ा सा एवरेस्ट का ये हींग दे देंगे। और इसके साथ जाएगा चाट मसाला, ये वाला चाट मसाला में थोड़ा सा तीखापन है, हमको याद नहीं आ रहा है, हम मिक्स करके चाट मसाला मतलब बॉटल पे डाले थे, तो अलग से मिर्ची देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें अगर पनीर होगा या कुछ होगा तो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसको सिम करते हुए जा रहे हैं। और फ्रेंड अभी इधर देखिए, हम ऐसे ही रखे थे कि ये बंदा जब खाने को आएगा तो हम इसमें थोड़ा सा वो हनी डाल देंगे। ये बंदा क्या किए, नमक छिड़क के खा रहा है, मतलब कांचा नमक सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका भी फेस देखिए, हम इसमें नमक डाले थे कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइए। मतलब इसको बोले क्या, उसको साइड करो, वो ऊपर से नून हटा के साइड करो, हम उधर से साइड दे रहे हैं। लग रहा है टेस्टी लग रहा था, जोर से बोलो टेस्टी लग रहा था इसलिए डाल। अब नमक फेंकने का तरीका देखिए, पराठा से नमक हटाने का तरीका देखिए। और ये इसका टिफिन में भी डाल देंगे। ये वाला है इसका टिफिन बॉक्स। मुझे पता नहीं कितना खाएगा, कितना वापस लेके आएगा, फिर भी हम ये डाल दिए। वैसे ये वाला टोफू मेरे पास है, ये हम यूज कर लेंगे। ओहो, ये कटिंग इधर से था, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वाला बेटे का इवनिंग वाला रख दिए। इसमें हम टोफू का जो बनाए थे सब्जी, इसको हम टिफिन पे लेके जाएंगे। और ये बेटे का दो, एक छोटू वाला चीला है इधर और एक पूरा है, ये बेटे का इवनिंग का है इधर रखा हुआ है, हम एक टिफिन पे लेके जाएंगे और रख देंगे। और ये वाला बेटे का टिफिन है और ये वाला मेरा फ्रूट है, जो हम सवेरे मतलब अभी ले लेंगे ब्रेकफास्ट में। वैसे और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना है, ये देखिए एप्पल का क्या हाल है। अभी कलकत्ता में हम लोगों के इधर में 300 रुपीज़ का या तो फिर 250 करके ये लोग मतलब केजी ले रहे हैं, और मतलब इसको छिलका छड़ा के हम लेने गए तो पूरा खराब ही निकला। एक एप्पल का आपका 100 ग्राम या तो फिर 150 ग्राम का हो जाता है, तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही कॉस्टिंग एक पूरा एप्पल, ये पूरा खराब निकला। तो अभी नहाना हो गया था, जल्दी से हम रेडी होने की कोशिश कर रहे थे और बेटे को भी बोल रहे थे विद इन द टाइम यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द स्कूल। तो अभी देखिए ये वैसलिन का ग्लूटा हुआ जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो पिंक कलर का आ रहा है मार्केट पे। और इसके बाद अभी पॉन्स के साथ साथ ये हम थोड़ा सा सनस्क्रीन ऐड करेंगे। ये जो आपका मतलब फॉरेस्ट एसेंशियल का सनस्क्रीन हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो ये हम देखिए हाथ पे, फिर फेस पे, फिर जो जो जगह मतलब ओपन अप रहेगा वो उसमें हम यूज़ कर ले रहे हैं। तो सनस्क्रीन के साथ ये वाला मॉइस्चराइज़र भी यूज़ हो गया था। अभी लैक्मे का 9 to 5 ये सीसी क्रीम हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छा मेरे फेस के साथ मतलब हो जाता है, जो बेस मेकअप आप लोग बोल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट दे देता है। तो ये वाला हम यूज़ कर रहे थे। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम दिखा रहे हैं कि बिफ़ोर गोइंग टू स्कूल हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर मीन्स हाउ आई मे गेट रेडी फॉर दैट। तो
बेटे को देखिए एक एक बार पीछे से आ रहा है और देख रहे हैं कि मम्मा वीडियो क्या बना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही रेयर इस टाइम बनाते हैं। हम उसको बोल रहे हैं कि जल्दी से रेडी हो जाओ, तो अभी हम फिर हम रेडी हो गए थे। अभी बाल को मतलब जो हेयर है हेयर ड्रायर लेके अभी हम सुखा रहे थे, क्योंकि उस दिन हम नहाए थे तो हेयर वॉश भी कर लिए थे, तो इसके बाद हम वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही जल्दी में थे। सो हेलो फ्रेंड, अभी हम स्कूल से वापस आ गए, मैं और मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। तो आप लोगों को देख के पता ही चल रहा है हम दोनों का फेस के वी आर टू मच एग्जॉस्टेड। तो एक बार इधर मतलब बस क्या बोले, एक बार बारिश हो रहा है, फिर एक बार सन निकल रहा है, क्या से क्या हो रहा है वेदर को ही पता है। तो जल्दी से अभी 5 बजने को आए हैं, जल्दी से आई एम गेटिंग गेट्स इट रेडी फॉर माय नेक्स्ट स्केड्यूल। सो आप लोग आज के दिन रहिए मेरे साथ, हम कोशिश कर रहे हैं मेरा डेली बेसिस ब्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी हम लोग दोनों ही मम्मा बेटा थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड, आप लोगों को बताए थे कि हम जिम जाने वाले हैं, लेकिन क्या होता है मंडे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है, मतलब 8 पीरियड एक के बाद एक ही मतलब चलते ही रहता है, तो बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए थकान भी ज़्यादा रहता है। और मंडे स्कूल में साड़ी पहन के जाना, मतलब साड़ी एज मैंडेटरी फॉर आवर स्कूल। और ये मेरा हाथ का हाल देखिए, अभी तक मतलब हम दवाई लगा के रखे हैं, अभी तक ये सही नहीं हुआ, तो इधर अभी कट दिखाई दे रहा है। तो हम सोचे कि आज हम जिम नहीं जाएंगे, ऊपर से आज मेरा मतलब बिग बास्केट से थोड़ा सा ऑर्डर भी आने वाला था, तो चलिए वो सब आपको दिखाते हैं। तो जो ऑर्डर किए थे वो ये हिट है, हिट का एक ऑर्डर किए थे, उसके साथ साथ ये जो वैल्यू पैक होता है सुपर सेवर वैल्यू पैक, ये वाला भी ऑर्डर किए थे, आप लोगों को दिखा रहे हैं बैक कैमरा से। ये देखिए ये वाला, ये सुपर सेवर पैक है, ये ऑर्डर किए। इधर ये झींगा, इसमें है ग्रीन चिली, और इसमें है आपका वो क्या एस्पागोरस बोला जाता है, जो मतलब बाहर के मतलब बाहर मिलता है इंडिया से बाहर, वो अभी इंडिया में मिल रहा है, पता नहीं इंडिया में आप लोग इसको क्या बोलते हो, किसके नाम से जाना जाता है। ये देखिए हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आपको, ये रहा, इसको क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं, एस्पागोरस बोलते हैं। और ये हम ला लिए, इसमें है धनिया, ये देखिए धनिया पत्ता, ये वाला एक लाए और ये वाला एक लाए। तो बस यही मेरा ऑर्डर था, इसके साथ साथ मतलब हम थोड़ा सा कोकोनट ले लिए, बटर ले लिए और थोड़ा सा पोमीग्रेनेट ले लिए, क्योंकि मेरे हाथ का ये हाल है, हम तो अभी चॉपिंग कर नहीं पा रहे हैं। मेरे पास मतलब चॉपिंग मशीन है, लेकिन वो चलाओ फिर उसका पार्ट्स सेवरल टाइप्स ऑफ पार्ट्स, उसको धुलाई करना, अगर मतलब ग्लव्स के ऊपर से भी हाथ पे खरोंच आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत होने वाले है। तो इसलिए हम वो मतलब ऐसे ही जैसे कट होता है ना कट फ्रूट, तो उस हिसाब से ले लिए, ऑर्डर कर दिए थे। तो फ्रेंड बस यही, और सवेरे का जो खाना था वही खाना हम मम्मा बेटा रात के लिए भी, हम वैसे स्कूल से आके मतलब कोशिश करते हैं कि 7 या 7:30 बजे के अंदर, या बहुत देर हो तो 8:30 से 9 बजे के अंदर खाना कंप्लीट कर ले, ताकि रात में कुछ मतलब हल्का फुल्का लेके सो पाए। तो हम लोग वही करते हैं, मेरा तो खाना हो गया, बेटे का खाना अभी है, बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई हो जाएगा तो वो खाना भी खा लेगा, उसका मतलब जो इवनिंग स्नैक्स होता है वो हम उसको दे दिए थे, तो आँख एकदम खोल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो 4:30 बजे उठ जाते हैं, जिम जाते हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी मिलता है, और जिम नहीं जाते तो पूरा हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, चलिए ये रहा मेरा आज का रूटीन, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर एक दिन हर एक तरीके का होता है, तो कल फिर से आएंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने आने का, ब्लॉग बनाने का। अभी हम हर रोज़ का कोशिश चालू कर रहे हैं कि देखते हैं कितना हद तक कर पाते हैं, चैलेंज मेरे खुद के साथ ही है, किसी और के साथ तो है नहीं। तो रहिए सेफ, रहिए हेल्दी, रहिए हैप्पी, रहिए और हमेशा हंसते रहिए। बाय, सी यू फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग।